हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैंने ये बताया था कि मेरा जो चैनल है अपकमिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, यानी कि जो टेक्नोलॉजी कुछ दिन बाद आने वाली है या फिर कुछ महीने बाद आने वाली है या फिर कुछ सालों बाद आने वाली है, मैं उसके बारे में आपको विस्तार से बताऊँगा, अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊँगा। तो एक फ़ोन लॉन्च होने वाला है मोटोरोला कंपनी का। मोटोरोला कंपनी का फ़ोन गजब के फीचर्स रखते हैं, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। मोटोरोला G72 जो कि 12 अक्टूबर 2022 को कुछ दिन बाद लॉन्च होने वाला है, इसके बारे में आपको आज मैं अच्छा से एक्सप्लेन करके बताऊंगा इसके क्या क्या फीचर्स है। और इसके फीचर्स बहुत ही ज़्यादा है और प्राइस वैल्यू बहुत ही कम है। तो प्राइस वैल्यू कम है और फीचर्स ज़्यादा है, तो लोग इसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं कि हाँ, ये फ़ोन आएगा तो मैं इसको खरीदूँगा ज़रूर। तो आइए जानते हैं अच्छे से विस्तार से इस फ़ोन के फीचर्स के बारे में। आइए दोस्तों जान लेते हैं इसके स्क्रीन टाइप के बारे में, डिस्प्ले टाइप के बारे में। ये जो फ़ोन है इसका डिस्प्ले बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, 120 हर्ट्ज जो कि सपोर्ट करने वाला है। बहुत ही ज़्यादा टाइपिंग अच्छा हो सकता है इसमें, और इसकी जो स्क्रोलिंग सिस्टम है बहुत ही कमाल की है। तो इसका स्क्रीन टाइप जो है स्ट्रॉन्ग गोरिल्ला ग्लास से बना हुआ डिस्प्ले, खतरनाक एकदम, एक नंबर डिस्प्ले, स्लिपरी डिस्प्ले। इस प्राइस के फ़ोन तक ऐसा डिस्प्ले आज तक मैंने नहीं देखा। इस फ़ोन का स्क्रीन 6.6 इंच तक है और फुल्ली HD डिस्प्ले है, जिसमें कि आप 4K वीडियो आराम से देख सकते हैं। और इस फ़ोन के फीचर्स कमाल के हैं, इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। 20,000 तक ये फ़ोन कमाल का फीचर्स रखने वाला है। और इसका जो कैमरा है वाइड एंगल में वीडियो शूट कर सकता है, और इसकी स्क्रीन रेशियो 20:9 है, जो कि आपको वाइड एंगल में कैमरा शूटिंग करने का या फिर वीडियो शूटिंग करने का ऑप्शन देता है। आइए जानते हैं इसके बैटरी बैकअप के बारे में। इसके बैटरी बैकअप 5000 mAh की है और ये बैटरी बहुत ही कमाल की है, 16 से 17 घंटे तक आराम से चल सकता है बिना किसी रुकावट के। और इसकी बैटरी मात्र 20 मिनट में 50% से भी ज़्यादा चार्ज हो सकती है। इसके बैटरी बैकअप के बारे में बात कर ही लेते हैं, तो इसके बारे में भी जान लीजिए कि ये फ़ोन गर्म भी नहीं होता है चार्ज होते समय, और ये फ़ोन 2 साल बाद भी वैसा ही चलेगा जैसा कि ये नया नया चलता है। कुछ फ़ोन्स होते हैं जो कि 2 साल हुआ, 1 साल हुआ, उसके बाद फिर इसका बैटरी बैकअप कम हो जाता है, लेकिन इस फ़ोन में ऐसा कुछ भी नहीं है। आइए जान लेते हैं इसके सेंसर के बारे में। इसका सेंसर बहुत ही कमाल का है, जो कि मोटोरोला ने बिल्ड किया है। इसके स्क्रीन पे फिंगर लॉक रहने वाला है, आप अपना फिंगर रखिए और तुरंत लॉक खुल जाएगा, यानी कि आपका 1 सेकंड भी नहीं होगा कि आपका फिंगर लॉक से फ़ोन खुल जाएगा। इसका सेंसर और भी कमाल का होने वाला है, जब ये लॉन्च होगा उसके बाद और भी इसके सेंसर एक्टिव हो जाएंगे। इसका सेंसर इस बात से हम लोग जान सकते हैं कि इसका स्क्रीन बहुत ही स्क्रोलेबल है, यानी कि थोड़ा सा आप स्क्रोल करेंगे बहुत ही ज़्यादा स्क्रोल हो जाएगा। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा सेंसर वाला ये फ़ोन है अपने प्राइस में। अपने प्राइस में कहने का मतलब है कि 20,000 तक फ़ोन जो जो भी आते हैं तो उसके लिमिट में रह करके ये फ़ोन बहुत ही कमाल का सेंसर रखने वाला है। अब बात करते हैं इसके कैमरा के बारे में। इसका कैमरा 108 मेगापिक्सल का है, जो कि 20,000 तक फ़ोन में कहीं भी नहीं, कोई फ़ोन में नहीं दिया गया आज तक। हमको लगता है 108 मेगापिक्सल नहीं तो 100 मेगापिक्सल का ज़रूर होगा। 100 मेगापिक्सल भी 20,000 तक के फ़ोन में आज तक नहीं दिया गया है। और 12 मेगापिक्सल का सिर्फ इसका सेल्फी है, जो कि कमाल का आने वाला है, खतरनाक क्वालिटी आप एक्सपीरियंस करेंगे। 20,000 तक के फ़ोन में इतना ज़्यादा कैमरा, अच्छा सेंसर जो कि जूम करके अच्छा से फ़ोटो क्लिक कर ले, ये आज तक मैंने नहीं देखा। मोटोरोला का फ़ोन अगर आपको पसंद है तो इस फ़ोन को ज़रूर लीजिएगा, जो कि मैं आपको बता देता हूँ कि इसका फीचर्स बहुत ही कमाल के हैं, लेकिन प्राइस बहुत कम रखा गया है, तो हमको लगता है कि अधिकतर लोग लेना पसंद करेंगे। अब जान लेते हैं ये फ़ोन कौन कौन से कलर में अवेलेबल है। ये फ़ोन 2 कलर में अवेलेबल है। पहला है मेट्रॉयड ब्लैक, जो कि ब्लैक लवर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। दूसरा कलर है पोलर ब्लू। पोलर ब्लू एक ग्लो कलर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा चमकीला कलर है, अच्छा से चमक देगा, खतरनाक ग्लो करेगा आपके हाथ में। और जब ये फ़ोन आपके पास आएगा तो इसका स्क्रीन और इसका बैक कवर बहुत ही कमाल का लगने वाला है। अब मेट्रॉयड ब्लैक, जो कि ब्लैक लवर के लिए बनाया गया है, ये थोड़ा सा ब्लैक से थोड़ा सा कम ब्लैक है, लेकिन इसकी शाइनिंग लेवल बहुत ही कमाल की है। अब जान लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। इसका प्राइस 18,999 से लेकर के 20,999 तक जाएगा। इसका प्राइस जो है मान लीजिए 19,000 से 20,000 तक जाएगा। और फिर इस प्राइस के लेवल में जो भी फ़ोन है इतने अच्छे क्वालिटी वाले नहीं है, इतना अच्छा कैमरा क्वालिटी, सेंसर क्वालिटी और स्क्रीन टाइप वाले नहीं है। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि ये फ़ोन ज़रूर आप लेके देखें कि 108 मेगापिक्सल का कैमरा किस तरह का होता है।
तो 108 मेगापिक्सल नहीं भी होगा तो 100 मेगापिक्सल तो फिक्स है कि होना ही है। अब फ्रंट कैमरा 12 मेगापिक्सल जो कि कहीं नहीं जाता है, सेल्फी आप लेंगे वो भी कमाल का आने वाला है। तो कैसा लगा ये वीडियो आपको, और ये फ़ोन आप लेना पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं कुछ यहाँ पे फ़ोटोज़ डाल देता हूँ जो कि आपको देखने में अच्छा लगेगा, और इसके फ़ोटोज़ देखने के साथ आप अपने हाथ में एक्सपीरियंस करने के लिए रेडी हो जाइए। 12 अक्टूबर को ये फ़ोन लॉन्च होने वाला है। कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ जो कि अपकमिंग टेक्नोलॉजी जो कि आने वाली है टेक्नोलॉजी उसके बारे में एक वीडियो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर कोई फ़ोन आपका दोस्त लेना चाहता है तो आप ये फ़ोन ज़रूर सजेस्ट करिए। 20,000 तक फ़ोन 108 मेगापिक्सल कहीं नहीं जाता है, बहुत ही कमाल का फ़ोन होने वाला है, इसलिए आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं कल, आप शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू।